शाम का सलाम। I am so thankful for the Lord for this invitation। मैं आज के दिन आज की शाम खुदावंत का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा का कलाम सुना सकूं। I bless the people of Salem Colony। मैं सलीम कॉलोनी की कलीसिया को बरकत देता हूं। Thank you for coming। आप सब के आने का बहुत शुक्रिया। What a wonderful music and a song। आज जो आपने प्रस्तुत की है वो वाकई ही दर हकीकत वंडरफुल है। I say शाबाश। मैं आपको शाबाश देना चाहता हूँ। आप जिन्होंने प्रस्तुत की उनके लिए जोरदार तालियां चाहिए। I am so happy to hear। मुझे आज की प्रस्तुत सुनकर बहुत खुशी हुई है। Two nights ago I fly from Malaysia। दो रात पहले मैं मलेशिया से सफर करके यहाँ पहुँचा। If you have not heard it, it is a country, it takes about almost 8 hours to fly from Malaysia to Pakistan। मलेशिया जो मुल्क है वहाँ से लेके पाकिस्तान का जो सफर है वो by air 8 घंटे का है। It's very far, very tiring। और ये बहुत लंबा सफर है जिसमें इंसान थक जाता है। From Karachi to Lahore। और हम पहले कराची आए और कराची से फिर हम लाहौर आए। Then we take a means to Faisalabad last night। और कल रात हम फैसलाबाद में थे। Because there's a convention there, I preach there। और वहाँ पर फैसलाबाद में कन्वेंशन थी और वहाँ मैंने खुदा का कलाम सुनाना था। Morning we travel to Gujranwala। और सुबह फिर हमने फैसलाबाद से गुजरांवाला का सफर किया। This is the first time I came here। और ये मेरी जिंदगी का पहला वाकया है कि मैं गुजरांवाला आया हूँ। But June, five months ago, I came to इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। और मैं आज से 5 माह पहले गर्मी का मौसम था जून और जुलाई अगस्त में मैं इस्लामाबाद आया था। It was very hot। और उस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी थी। But this December is very cold। लेकिन इस दफा बहुत सर्दी है। I enjoyed the weather, but I think it's quite late। और मैंने इस मौसम को बहुत ज्यादा अच्छा महसूस किया लेकिन अभी बहुत टाइम ज्यादा हो चुका है। इसलिए मैं अपने मैसेज को थोड़ा शॉर्ट करूंगा। I wish you a Merry Christmas। मैं आप सबको क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूं। सलाम जी, सलाम जी, थैंक यू पास्टर रेवरेंड। तमाम पास्टर साहबान का बहुत शुक्रिया। For taking your time to come over। क्या आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं। You have a wonderful young man, Pastor Asher। और आपको खुदा ने बहुत ही जवान खादम दिया है पास्टर आशर। Respect you and love you, man of God. That's why I came all the way from Malaysia to come to Gujranwala for you। आए खुदा के खादम, मैं तुझे सलूट करता हूँ। मैं तेरे लिए यहाँ मलेशिया से चलकर पाकिस्तान आया हूँ। We have been becoming friends through Facebook। और हम तकरीबन 2 साल से Facebook पर दोस्त हैं। I'm a bishop from Malaysia। और मैं मलेशिया का बिशप हूँ। My organization is called Apostle Prophet Ministries Network Asia। और मेरी मिनिस्ट्री का नाम Apostle and Prophet Ministries है। And in Pakistan, my representative is Bishop Sarfraz from Islamabad। और पाकिस्तान में जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो बिशप सरफराज हैं जो इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं। We have church in Islamabad, we have church in Malaysia, and we have church in many parts of Asia। हमारा मलेशिया में चर्च है, इस्लामाबाद में चर्च है और एशिया में बहुत से मुल्कों में हमारे चर्चेस हैं। And Pastor Asher Salamat is my affiliate, my close team in Pakistan because I love the people of Pakistan। पास्टर आशर जो हैं, वो मेरे साथ अफिलिएटेड हैं
क्योंकि मैं पाकिस्तान के लोगों को बहुत प्यार करता हूँ. So when he called and invited me for this Christmas, I came. और जब इन्होंने मुझे दावत दी कि आप क्रिसमस के लिए पाकिस्तान आए, because I enjoy your paratha and chapati and tandoori chicken. क्योंकि मैं आपके पराठा को, चपाती को, तंदूरी चिकन को बहुत पसंद करता हूँ. I love your food. मैं आपके खाने को बहुत पसंद करता हूँ. In Malaysia, we don't eat paratha and chapati every day. We don't eat. मलेशिया में हम पराठा और रोटी हर रोज नहीं खाते. Our food in Malaysia is rice. मलेशिया में हमारी खुराक चावल है. चावल है. Yes. चावल है. चावल. Rice. Rice. Every day we eat rice. हम हर रोज चावल खाते हैं. And also fish. और उसके साथ हम मछली खाते हैं. Chicken. Every 3-4 months I eat chicken. और तकरीबन 3-4 माह के बाद हम चिकन खाते हैं. Every 4 months I eat one chapati. और 3-4 माह के बाद एक रोटी भी खाते हैं. So that's why I look very white. और इसलिए मैं बहुत सफेद नजर आता हूँ. Like rice. जैसे कि चावल सफेद होता है. हाँ जी. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. But whatever Christian and those who believe in Jesus gather together. लेकिन जब मसीही इकट्ठे होते हैं, Jesus is there and we are one body, brother and sister in the Lord. और खुदावंद उनमें अपने वादा के मुताबिक मौजूद होता है और हम मसीह में एक बदन होते हैं. Tonight you are my भाई and बहन. और आज की रात आप सब मेरे भाई और बहनें हैं. Amen. Amen. Well, let me just shorten this message to you. और मैं अपने मैसेज को शॉर्ट करते हुए खुदा के कलाम की तरफ जाऊंगा. I come again next time. और मैं उम्मीद रखता हूं कि दोबारा भी आपकी खिदमत में पेश होऊंगा. The message that I want to share with you tonight is in the Gospel of Matthew. और जो मैं कलाम पेश करना चाहूंगा मुकद्दस मत्ती की इंजील में से, चैप्टर 1, उसका पहला बाब, वर्स 18 टू 25, उसकी 18वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक. This is how Jesus was born. और जिस तरह मसीह यसु पैदा हुआ, miraculously, और वो इस दुनिया में आया, because Mary, the mother of Jesus, was not married to Joseph, and he was born by the power of the Holy Spirit. क्योंकि जो मरियम थी, जो यूसुफ की दुल्हन थी, उससे खुदावंद यसु मसीह रूल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ. So, it's so safe. You read this. In Urdu and let us listen to that. मैं खुदा के कलाम में से पहले उर्दू में आपके लिए पढूंगा और बाद में ब्रदर खुदा का कलाम पेश करेंगे. मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, जिसमें यूं मरकूम है, अब यसु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुदस की कुदरत से हामला पाई गई. बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया. वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंत के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुदस की कुदरत से है. उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा. और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदावंद हमारे साथ. बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने हाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यसु रखा. पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो.